सुबह सवेरे ही कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया चलो दाना लेने चलते हैं। रुको कौवे, मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे दूं, तब तक तुम जाकर बाहर बैठो। कौवा जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और चिड़िया अपने बच्चों को नाश्ता देती है। मेरे बच्चों, अपनी मम्मा की बातें याद है ना? हाँ मम्मा, अगर कोई आए तो कुंडी नहीं खोलनी, कुंडी तभी खोलनी है जब मम्मा आए। मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ मेरे बच्चे तो बहुत अक्लमंद हैं। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। दोनों कौवे और चिड़िया दाना लेने निकल जाते हैं। मैदान में चिड़िया को चने का दाना दिखाई देता है। कौवे कौवे, वहाँ कुछ है, हमें जाकर देखना होगा। चिड़िया, ये तो चने का दाना है, तुम्हारी चोंच छोटी है और कमजोर भी, ये तुमसे खाया नहीं जाएगा। मैं इसे घर ले जाऊंगी और चक्की में आटा बनाकर अपने बच्चों को दे दूंगी। मुझे भूख लगी हुई है, ये चने का दाना तुम मुझे खा लेने दो, तुम्हारे बच्चों के लिए हम कोई और चीज ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम इसे खा सकते हो। कौवा जल्दी से वो चना का दाना उठाकर खा लेता है। ये चने का दाना खाकर बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ मेरे लिए हर रोज चने का दाना लाया करती थी। कौवे भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या आगे भी जाओगे? मेरे बच्चे भूखे हैं। ओ नो चिड़िया, मुझे याद आया, मैं तो अपने घोंसले में अपने गले की कीमती चेन भूल आया हूँ, वो कोई चोर उठा लेगा। कौवे भैया, तो फिर आप जल्दी से जाइए और वो कीमती चेन उठाकर कहीं छुपा दें। वो चेन तो मेरी माँ की निशानी है, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। चिड़िया वहाँ बैठकर कौवे की राह देखने लगती है। कौवा घोंसले में पहुँच जाता है। ओह चिड़िया को नहीं मालूम कि चने का दाना खाकर मेरा सोने का मन करता है, पेट भर गया, नींद तो आएगी, पागल चिड़िया मेरा इंतजार करती रहेगी। कौवा आराम से घोंसले में लेटकर सो जाता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। चिड़िया वहाँ बैठी कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कौवे का बच्चा ना जाने कहाँ चला गया है, मैं तो थक गई हूँ, ना जाने कब आएगा वो कालू कौवा। एक तोता गुजरता हुआ वहाँ रुकता है। चिड़िया, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ बैठकर? तोते भैया, कौवे का, वो अपने घोंसले में कोई कीमती चीज भूल आया था, वो अपने कीमती चीज लेने गया है और फिर हम दाना लेने जाएंगे। ये सुनकर तोता हंसने लग जाता है। आ, हा, 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 वो कीमती चीज थी आलसी कौवे की नींद, वो तो अपने घोंसले में सोया हुआ आराम से खराटे ले रहा है, मैं अभी अभी उसे देख कर आया हूँ। तोते की बात सुनकर चिड़िया को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोल कर गया था, मैं उस कौवे से बदला जरूर लूंगी। चिड़िया उड़ती है और घने जंगल से अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेती है और नदी के पास से गेहूं की बाली। चिड़िया घर आकर अपने बच्चों को भोजन देती है और सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। थका हुआ हूँ, आज तो भोजन की खोज करने को जरा भी मन नहीं कर रहा है, आज फिर उस छोटी चिड़िया को पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाकर दस्तक देता है। कौवे कौवे भैया, आपकी उस दिन वाली गले की कीमती चेन मिल गई थी? ना ना, कहा, जब मैं वापस गया तो मोटी चोंच वाला तोता मेरी चेन चुरा कर जा रहा था, मैंने उसका पीछा किया और वो एक पेड़ की खोकर में जाकर छुप गया, मैं तो शाम तक वहाँ बैठकर उसका पेड़ के छेद से निकलने का इंतजार करता रहा। मगर वो तोता उस दिन मैंने भी देखा था, तुम्हें सोता हुआ देखकर वो मेरे पास ही आया था,
ये सुनकर कौवे की हवा निकल जाती है और वो चुप हो जाता है और सर झुका लेता है। कोई बात नहीं कौवे भैया, जब मुझे नींद आती है तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब चले दाना लेने? हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ। फिर चिड़िया और कौवा दाना लेने चले जाते हैं। मगर आज चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। कौवे भैया, आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आज रात मुझे सपना ही नहीं आया। कौन सा सपना? यही कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं तो हर रोज अपने सपने में देख लेती हूँ कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा और सुबह जाकर वहाँ से अपना भोजन ले लेती हूँ। तो अब सो जाओ थोड़ी देर, ये जगह ठीक है। तुम यहाँ पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाओ और सपने में देखो कि भोजन कहाँ से मिलेगा। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए आज तुम्हें मेरे लिए मीठा फल ढूंढ कर लाना होगा और फिर कल से मैं सपना रात को ही देखकर आया करूंगी और हम दोनों सीधे भोजन वाली जगह पर पहुंच जाया करेंगे। एक दिन की ही बात है, मैं चिड़िया को कुछ ला देता हूँ। कौवा उड़ता है और चिड़िया के लिए घने जंगल में जाता है। कौवा चिड़िया के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है और वापस आता है। चिड़िया मजे मजे से वो मीठा फल खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया चिड़िया, अब जल्दी से सो जाओ, पेट तो तुम्हारा गया भर, अब सपना देखो। कौवे भैया, यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मैं घर जाकर सो जाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। जल्दी वापस आना, मैं यहाँ ही बैठा हूँ। चिड़िया आराम से अपने बच्चों के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। दुष्ट कौवा शाम तक वहाँ बैठकर चिड़िया का इंतजार करता है और भूख से काय काय करता रहता है। ऐसे चिड़िया कौवे को सजा देती है। गर्मी पड़ रही थी, ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली पिंकी कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है, ना मेरे पास लकड़ियां हैं, ना सूखे पत्ते, मैं अकेली तो शाम तक धूप में जल जाऊंगी। गुजरते हुए तोते को पिंकी कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? तुम जंगल में सबसे सुंदर हो, क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? तोता जान जाता है कि वो कौवी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे कहते हुए मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो जाओ और जंगल से लकड़ियाँ ले आओ, घर के छत ठीक कर लो, धूप सीधी घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू, कालू के तो तुम पीछे ही पड़ी रहती हो, कभी प्यार से भी बुला लिया करो। काम धंधा तो कोई करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुझे प्यार से? कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। ला 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 ला, मैं कालू कौवा हूँ, मैं काला कौवा हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं सबसे ताकतवर, मैं सबसे अच्छा चोर, हो 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 हो। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि पिंकी कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कौवा तो बहुत रोमांटिक लग रहा है, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। पिंकी कौवे कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुनिए सुंदर कौवे, मेरे बात सुने। कौवा रुक जाता है, वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला, आप जैसा सुंदर कौवा और कौन है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है।
बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही सागर वाले जंगल से आई हूँ मैं। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाया जाता है। मैं जानता हूँ कि मजबूत घर कैसे बनाते हैं। मुझे सब पता है, कालू कौवा खुशी खुशी ऐसे कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ इसी घर में रह सकते हैं। वो कौवे शर्माते हुए नाटक करती है। रुको, तुम यहाँ रुको, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया। सब भूल भाल कर कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था और उधर उसकी पत्नी कौरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कौवी भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गई। हाँ चिड़िया, गौरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और पिंकी का घर बनाना शुरू करता है। पिंकी कौवी आराम से ठंडी छांव में बैठी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से घर की छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी बहन, मुझे लग रहा है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो पिंकी का घर बना रहे थे। हो गया, आज का काम हो गया, बाकी घर की छत का काम मैं कल करूँगा। पिंकी जी, कालू कौवे जी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों के घर की। मेरी पत्नी गौरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती है। मैं अब तुम्हारे साथ शादी करके इसी घर में रहूँगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ है? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हो। गौरी गौरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ उस बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। देखो, चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार, इतना प्यार आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पिंकी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा झाड़ू उठाकर गौरी कौवी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ अब। सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे तो सुबह सवेरे एक काम जाना था। ऐसे बौखलाया हुआ कालू कौवा जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रात भर तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत बना दो और फिर सारी सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घरों में चोरियाँ और ला कर दूंगा तुझे अच्छे अच्छे भोजन। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और सीढ़ी लगाकर सूखी घास को घर के छत पर लगाता है। दोपहर की तेज धूप में कालू कौवा
पिंकी कौवी का घर बना रहा था। शाम हो जाती है और कालू कौवा पिंकी का घर बना देता है। मैं अब अपना सामान उठा लाता हूँ, मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गौरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं अब हवाओं में हूँ। मैं अब अपनी पिंकी कौवी के पास उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ। बाय। कालू कालू रुको रुको कालू, मेरी बात सुनो। मगर कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। पिंकी पिंकी दरवाजा खोलो, तेरा कालू आ गया। चल बुड्ढे कौवे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहाँ तक ही था, अब अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। पिंकी का अचानक ये रवैया देखकर कालू की तो अकल ही मर जाती है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? पापा पिंकी जी, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े भाग जाओ। कालू बेचारा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वो अपनी पत्नी गौरी से बहुत पिटने वाला था। चिड़िया की तोते से दोस्ती थी। चिड़िया और मिट्टू तोता दोनों एक साथ दाना लेने जाते थे। कभी चिड़िया तोते को बुलाने आ जाती तो कभी तोता चिड़िया को लेने उसके घर आ जाता। चिड़िया बहन, आज हम अमरूद के बाग में जाएंगे, वहाँ बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं। मिट्टू, गुड़िया के लिए चावल का दाना भी लाना है आज। गुड़िया सुबह से ही चावल मांग रही है। दोनों अपने घर से निकलते हैं। देखो कालू, कैसे वो छोटी चिड़िया और मोटी चोंच वाले तोते में दोस्ती है। दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। गौरी, सच पूछो तो मुझे भी इन दोनों का साथ एक आंख ना पाता। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ ऐसा करो कि इन दोनों में लड़ाई हो जाए और ये एक दूसरे पर पत्थर मारे, फिर ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। इसका प्लान मैंने तैयार कर लिया है, तुम चिंता ना करो। कुछ दिनों में मिट्टू और चिड़िया जंगल में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मिट्टू तोते के पास जाता है और उसे कहता है, यार मिट्टू, आज मेरा मामा जी आया था मेरे पास और वो मुझे एक बात बता कर गया है। बात? क्या बात कालू? मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने मरते समय चिड़िया के पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना गड़ाया था। क्या क्या ये सच है? हाँ मिट्टू, और मेरे मामा ने मुझे ये भी बताया था कि वो मिट्टू अगर पेड़ काट ले तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा जो उसकी माँ ने चिड़िया के पेड़ में छुपाया था। यार कालू, इतना तो मुझे याद है, जब मैं छोटा सा था तब मैं अपनी माँ के साथ चिड़िया वाले पेड़ पर ही रहा करता था। मैं बात करता हूँ चिड़िया से, अगर वो मुझे वो पेड़ काट लेने दे तो मैं किसी तरह दूसरे पेड़ पर उसे घर बना दूंगा। ये कहते हुए मिट्टू वहाँ से चला जाता है। काम शुरू हुआ, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सच्ची दोस्त हो? हाँ मिट्टू भैया, क्या आपको कोई शक है? तो फिर तुम्हें एक मेरा कहना मानना होगा। आपको मैं आपका ये पेड़ काटना चाहता हूँ, क्योंकि इस पेड़ के नीचे मेरी माँ ने एक बड़ा खजाना छुपाया था मेरे लिए। मैं वो खजाना निकालना चाहता हूँ। मिट्टू भैया, ये क्या आप पागलों वाली बातें कर रहे हो? इस पेड़ पर तो मेरा घर है,
मैं आपको किसी और नए पेड़ पर घर बना दूंगा। यहाँ कोई खजाना नहीं है और ये पेड़ मैं किसी को भी नहीं काटने दूंगी। कौवे ने सच्चे कहा था। अब मैं दोस्त से किसी बन गया। अब मुझे सब मालूम हो गया। गुस्से में मिट्टू वहाँ से चला जाता है। ये मिट्टू जरूर उन दुष्ट कौवों की बातों में आ गया होगा। वो कौवे तो मुझे कुछ देखना ही नहीं चाहते। फिर कुछ दिनों बाद मिट्टू तोता कबूतर से बात करता है। यार कबूतर, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है उसके नीचे मेरी माँ ने एक बड़ा खजाना गड़ाया था। अगर तुम चाहो तो मैं उस खजाने में से तुम्हें आधा हिस्सा दे सकता हूँ। कबूतर भी लालच में आ जाता है। मगर मिट्टू, अब वो खजाना हम कैसे निकाल सकते हैं? चिड़िया का पेड़ काट कर। तो फिर हम आज ही चिड़िया का पेड़ काट देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। तुम किसी तरह चिड़िया और उसकी बेटी को कहीं दूर भेज दो और फिर हम दोनों मिलकर जल्दी से वो पेड़ काट लेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी चिड़िया को दूर भेज देता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी पहाड़ों से आ रहा हूँ। वहाँ चीलते मीठे चावल बांट रही है। मीठे चावल? वो किस खुशी में कबूतर भैया? चील के यहाँ दो दो अंडे हुए हैं इसी खुशी में। जल्दी से चिड़िया, अपनी बेटी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ मीठे चावल लेने चली जाती है। मिट्टू भी कुल्हाड़ा लेकर पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर जल्दी से पेड़ काटना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर और मिट्टू वो पेड़ काट देते हैं। मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मगर चिड़िया का घर पेड़ से गिरकर पूरी तरह से टूट चुका था। मिट्टू, कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब कालू कौवे ने बताया था। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये सब हमने तुम्हारी और चिड़िया की दोस्ती खत्म करने के लिए किया था। मोटी चोंच वाली मिट्टू, मोटी चोंच वाली मिट्टू, और तुम बन गए पागल। मिट्टू तोता और कबूतर गौरी का मुंह देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा झूठ! कालू कौवे ने मुझे अपनी माँ की कसम खाकर बताया था कि इस पेड़ में खजाना है। मोटी चोंच वाले, तो फिर ढूंढो। और कंधी आंखों वाले, तुम अपनी आँखें नदी से धोकर देखो। शायद फिर ही तुम्हें यहाँ से कुछ मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर चिड़िया वहाँ बैठे एक पक्षी से पूछती है। अनजान पक्षी, चींटी मीठे चावल कहाँ बांट रही है? मुझे भी मीठे चावल लेने हैं। आपको किसने कहा? चिड़िया, जरूर आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा। यहाँ कोई चावल नहीं बांट रहा है। ये सुनकर चिड़िया निराश होकर घर वापस उड़ती है। जब वो वापस आती है तो वो अपना टूटा हुआ घर और पेड़ नीचे गिरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मिट्टू, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। तो फिर काट ही दिया तुमने मेरा पेड़। कहाँ है तुम्हारी माँ का रखा हुआ खजाना? चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो। ये सब मुझे कौवे ने करने को कहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मा, अंकल मिट्टू कंधे हैं और कबूतर अंकल भी आपके दोस्त नहीं हैं। और अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बेटी, यहाँ सब गंदे हैं। कौवा भी, कौवी भी, और मेरे पुराने दोस्त कबूतर और मिट्टू भी। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिट्टू, चिड़िया को रोक लो यार। किसी भी तरह चिड़िया को रोक लो। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। वो गई कालू, वो गई चिड़िया। चिड़िया ये जंगल छोड़कर जा रही है। चिड़िया चिड़िया, रुको, बात तो सुनो। सुना है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा घर तोड़ दिया। मगर चिड़िया आगे बढ़ती है। वो कौवों की बातों पर ध्यान नहीं देती। चिड़िया जंगल के एक कोने में जाकर अपने लिए
एक तिनकों का घोंसला बनाने लग जाती है। कबूतर और मिट्टू तोता किसी भी तरह चिड़िया से माफी मांगना चाहते थे। मिट्टू, हमें फिर से चिड़िया के लिए एक नया और पक्का घर बनाना होगा, ऐसा घर जैसा चिड़िया का पहले था। फिर वो दोनों काम शुरू करते हैं और चिड़िया के लिए पक्का घर बनाने लगते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चलें। मिट्टू, नहीं, मैं यहाँ तिनकों के घोंसले में ठीक हूँ। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं सारी जिंदगी खुद से शर्मिंदा रहूँगा। चिड़िया बहन, प्लीज एक बार मेरे साथ। तो फिर चिड़िया मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर मिट्टू के साथ जाती है। सामने एक सुंदर सा घर था जिसे कबूतर और मिट्टू ने चिड़िया के लिए बनाया था। चिड़िया बहन, जो हुआ सो उसे भूल जाओ, ये घर हमने आपके लिए बनाया है, हमें माफ कर दें। हम लालच में आ गए थे और भूल गए थे कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फिर चिड़िया मुस्कुरा देती है और उन्हें माफ कर देती है। वो सब फिर से दोस्ती कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं।